क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बादल मंडरा रहे हैं? क्योंकि निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची की छपाई के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। जम्मू कश्मीर में 2018 से एक ओर जहां राष्ट्रपति शासन लागू है, वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव को एक सपने के तौर पर देख रही हैं। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से ये कहा कि वह विधानसभा चुनाव के अभाव में चुनाव प्रचार में पेट्रोल बर्बाद ना करें। बता दें कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह दावा किया था कि सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सही समय पर होंगे। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोले ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची की छपाई के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। वहीं इस बोली अधिसूचना में आवेदकों से 180 दिनों के अंदर जम पोर्टल के जरिए अपना आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा है कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची की छपाई, मतदाता सूची के ड्राफ्ट और अंतिम प्रकाशन के रूप में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए छपने वाली मतदाता सूची के सेट की अस्थायी संख्या 7,73,160 होगी। साथ ही अधिसूचना में ये कहा गया है कि काम को कम समय में पूरा करना होगा और इसी वजह से आवेदक के पास छपाई के लिए बड़ा बुनियादी ढांचा होना चाहिए। वही आवेदन और नमूना पीडीएफ स्वीकृत होने के बाद आवेदक को 10 दिनों के अंदर सभी छपी फोटो मतदाता सूची जमा करनी होगी और अगर इस दौरान चुनावों की घोषणा की जाती है तो उन्हें 7 दिनों के अंदर इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।